फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस का स्केल क्या है? इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, क्योंकि इसके कई दायरे हैं। लेकिन अगर एक यूनिवर्सल स्केल में देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस के जरिए भी तय किया जा सकता है कि कौन सी फिल्म कितनी सक्सेसफुल रही। लेकिन साउथ के बस एक डायलॉग ने इसका स्टैंडर्ड पूरी तरीके से बदल दिया और हाई कर दिया। और ऐसा हुआ है कि 2023 में इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ ये सब। जब बॉलीवुड की फिल्मों ने 100 करोड़ कमाना शुरू किया तो ये सबको बहुत ही अच्छा लगा और माइलस्टोन माना जाता था। आमिर खान की चाहे गजनी हो, सलमान खान की दबंग और शाहरुख खान की रावण, इन सभी ने 100 करोड़ की कमाई की और सभी को चौंका दिया। वो एक ऐसा समय था जब 100 करोड़ की कमाई को फिल्म की सक्सेस माना जाता था। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सा डायलॉग है जिसने बॉक्स ऑफिस में ऐसी आग लगा दी कि 100 करोड़ से डायरेक्ट 1000 करोड़ की फिल्म बना दी। ये एक ऐसा सवाल था जो शुरुआत में तो सभी को बहुत ही बेकार लगा, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल लोगों की एकदम जुबान पर रह गया कि भाई आखिरकार ये हुआ क्यों। थिएटर्स में लोगों की भीड़ लगने लगी और ये सवाल था, कटप्पा ने आखिरकार बाहुबली को क्यों मारा। इस एक सवाल ने बॉक्स ऑफिस का स्केल पूरी तरीके से बदल दिया। 5-10 साल के अंदर 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद तो जो हुआ उससे दुनिया वाकिफ है। जब SS राजामौली की फिल्म बाहुबली आई थी तो फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया था। पहली बार किसी साउथ फिल्म ने इतने बड़े लेवल पे हिंदी पट्टी को ऑडियंस की क्यूरियोसिटी में इतनी ज़्यादा बढ़ाई कि लोग इसके पीछे पागल होने लगे। फिल्म ने अच्छी कमाई की और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 650 करोड़ रहा था। ये फिल्म साल 2015 में आई थी। फिल्म के आने के 2 साल बाद बाहुबली 2 आई। इन 2 साल के दरमियान हर व्यक्ति के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था, वही, कटप्पा ने आखिरकार बाहुबली को क्यों मारा। फिल्म के पहले पार्ट ने तो अच्छी कमाई और कलेक्शन किया ही, पर जो उसका दूसरा पार्ट आया उसने भी बहुत अच्छी कमाई की। इसके अलावा दूसरे पार्ट ने बहुत ज़्यादा धमाकेदार लोगों के बीच ऑडियंस को एंगेज भी रखा। ऐसी कमाई की कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुले के खुले रह गए। जब इस डायलॉग ने बॉक्स ऑफिस का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, फिल्म के दूसरे पार्ट ने भारत में अगर बात करें तो 1030 करोड़ की कमाई की। उसके बाद साल 2023 में 5 फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने हिंदी भाषा में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया और 2023 को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए बताते हैं, यश की KGF चैप्टर 2 ने 1215 करोड़ रुपए कमाए, RRR ने 1230 करोड़ रुपए कमाए, जवान ने 1160 करोड़ रुपए, पठान ने 1055 करोड़ और एनिमल ने 888 करोड़ की कमाई की। और ये आंकड़े ही बताते हैं कि आज फिल्मों की सक्सेस मेजर करने का स्टैंडर्ड कितना हाई हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष पर और TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।